बाइलिंगुअल स्टडी में आपका मोस्ट वेलकम है। जी हाँ दोस्तों, अभी जो एग्ज़ाम चल रहा है फर्स्ट टर्मिनल का, क्लास 9th और 10th वाले का, बिहार बोर्ड का, उसका आंसर की लेकर के मैं एक बार फिर उपस्थित हूँ। पहले इससे पहले भी मैंने सोशल साइंस का एक वीडियो डाला है, क्योंकि बहुत सारे स्कूल का क्वेश्चन चेंज होता है, दो तरह का स्कूल में क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर आपने पहला वीडियो नहीं देखा है तो उस वीडियो को ज़रूर देख लें। अगर दोनों वीडियो को आप देख लेते हैं तो आप आसानी से सही का सही ऑब्जेक्टिव मार के आ सकते हैं। जैसा कि इसमें आप देख रहे हैं, ये दूसरा वीडियो है। तो पहला क्वेश्चन में क्या कह रहा है, पहले क्वेश्चन में कह रहा है कि सामंतवाद का आधार क्या था। तो सामंतवाद का जो आधार था ये था आपका भूमि, यानी ऑप्शन जो है डी बिल्कुल सही है। वास्को डी गामा किस वर्ष भारत पहुंचा था, तो वास्को डी गामा ये 1498 में 17 मई को भारत के कालीकट में पहुंचा था। एस्ट्रोलोब यंत्र निम्नलिखित में क्या बतलाता था, ये अक्षांश बतलाने वाला यंत्र था, यानी ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। कोलम्बस जिसने अमरीका की खोज की थी मूलतः किस देश का निवासी था, तो ये मूलतः यहाँ पर पूछ दिया गया, हालांकि मूलतः अगर पूछा था इटली के जिनेवा का था, लेकिन आपकी किताब में स्पेन दिया था, स्पेन मार। ये समुद्री मार्ग से विश्व का परिभ्रमण करने वाला पहला व्यक्ति कौन था, तो मैगलन था, जिसने 1519 ईस्वी में पूरे पृथ्वी का चक्कर लगाया था। उत्तम आशांतरीप का पता किसने लगाया था, तो बार्थोलोमियो डियाज ने, यानी ऑप्शन सी बिल्कुल सही। विश्व का पहला लिखित संविधान किस देश का है, तो ये अमेरिका का है, 1789 ईस्वी में लागू हुआ था, आप लोगों को पता होगा। ब्रिटिश संसद ने स्टाम्प एक्ट किस वर्ष पारित किया, पिछले में भी था, 1765 ईस्वी में। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम में अंग्रेजी सेना का सेनापति कौन था, तो जेफरसन था, जबकि अमेरिका का जॉर्ज वाशिंगटन था। बोस्टन की चाय पार्टी की घटना किस वर्ष हुई, तो 1773 ईस्वी में। इंग्लैंड में कैबिनेट प्रणाली के विकास में किसका योगदान महत्वपूर्ण था, तो इसमें किसका महत्वपूर्ण था इंग्लैंड में कैबिनेट प्रणाली का कह रहा है, इसका क्वेश्चन का आप लोग कमेंट करके बताएं। लुई सोलमा किस राजवंश का था, तो बुर्बो राजवंश का था, ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। यहाँ पर 13 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, मनुष्य स्वतंत्र पैदा हुआ है पर वो हर जगह जंजीरों से झगड़ा। आपको 40 ही क्वेश्चन बनाना है, 48 ऑप्शन क्वेश्चन रहता है। ये कथन किसका है, तो ये कथन किसका है, तो ये कथन आपका रूसो का है, यानी ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। कौन सा पूर्वी देशांतर रेखा भारत का मानक देशांतर है, यानी 82.5 डिग्री, इसको 82 डिग्री 30 मिनट लिखा जाता है, ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है, 7वां सबसे बड़ा देश है भारत। इंदिरा पॉइंट भारत के किस छोर पर स्थित है, इस क्वेश्चन को वहाँ ही पूछा था, लेकिन उल्टा के पूछा गया था, तो दक्षिण छोर में है, अंडमान निकोबार में पाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा पड़ोसी देश उत्तर प्रदेश की सीमा को छूता है, तो ये नेपाल हो जाएगा, यहाँ पर ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। सार्क की स्थापना जिसको दक्षेस भी कहते हैं 1985 ईस्वी में ढाका हुआ था, इसका मुख्यालय नेपाल की राजधानी काठमांडू में है। भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन झील है, डल झील जो है ये जो कश्मीर में। खंभात की खाड़ी कहाँ अवस्थित है, तो गुजरात में खंभात की खाड़ी अवस्थित है। निम्नलिखित में कौन सा पठार भारतीय खनिजों का भंडार कहलाता है, तो छोटा नागपुर का पठार, यानी ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। 22 का सही आंसर देखते हैं क्या होता है, निम्नलिखित में कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर बहती है, तो तापी नदी हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सी नदी देहंग खड्डे का निर्माण करती है, तो ब्रह्मपुत्र नदी हो जाएगा। जोगप्रपात का संबंध किस नदी से, तो श्रावती नदी से है। सरयमान झील बिहार के किस जिला में अवस्थित है, तो बेतिया में अवस्थित है, ऑप्शन बी ऑप्शन ए यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। 26 का देखते हैं क्या कह रहा है, निम्नलिखित में कौन सी नदी दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है, तो गोदावरी जो है दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है। लोनार झील कहाँ अवस्थित है, तो महाराष्ट्र में अवस्थित है, यानी ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। किस नदी पर भाखड़ा नांगल बांध का निर्माण किया गया है, तो भाखड़ा नांगल बांध जो है यह आपका सतलज नदी पर, यानी ऑप्शन डी पंजाब में है। आंग सान सू ची का संबंध किस देश से है, तो म्यांमार से, ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। मिशेल बैसेल किस देश के राष्ट्रपति थे, तो चिले के, ठीक है, इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन है, आप लोग देख लीजिएगा। अगला देखते हैं, संयुक्त राष्ट्र के सुरक्षा परिषद में अस्थायी पूछ रहा, अस्थायी पूछता था 5 होता, अस्थायी 10 सदस्य हैं, यानी ऑप्शन बी बिल्कुल सही है, जो 2 वर्षों के लिए चुने जाते हैं। वर्तमान समय विश्व के किस देश में प्रत्यक्ष लोकतंत्र है, तो स्विट्जरलैंड एकमात्र देश है। स्वेज संघ का विघटन कब हुआ, तो 1991 ईस्वी में, ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। अगला देखते हैं, उत्पाद का अर्थ है क्या है, उपयोगिता का सृजन, ऑप्शन ए बिल्कुल सही है, ऑप्शन सही है। अगला देखते हैं, अगला निम्नलिखित में कौन सा उत्पादन का साधन नहीं है, उत्पादन का साधन नहीं है, तो उपभोग जो है उत्पादन का साधन नहीं है। अगला क्वेश्चन, मानव संसाधन के रूप में जाना जाता है, तो किसको जाना जाता है, यहाँ इनमें से कोई नहीं, मानव संसाधन के रूप में मानव को ही जाना जाता है। अगला, तो बिहार की अधिकांश जनसंख्या किस क्षेत्र में कार्यरत है, कृषि क्षेत्र में 80%। सर्दी के मौसम में किस प्रकार का फसल उगाया जाता है, तो आपका हो जाएगा रबी फसल। निम्नलिखित में कौन अस्थायी पूंजी के अंतर्गत नहीं आता है, तो बीज जो है अस्थायी पूंजी के अंतर्गत नहीं आएगा। बाकी सब अगर संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ऑप्शन सी बिल्कुल सही। आधुनिक लोकतंत्र का जन्मदाता किस देश को माना जाता है, तो संयुक्त राज्य अमेरिका को। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में किस आपदा की गति तीव्र होती है, तो भूकंप की गति जो है तीव्र होती है, ऑप्शन बी बिल्कुल सही है।
अगला क्वेश्चन देखते हैं 43 नंबर में क्या कह रहा है। इनमें से कौन मानव जनित आपदा है, रेल दुर्घटना जो मानव जनित आपदा है, सीमित क्षेत्र को प्रभावित करने वाली आपदा कौन सी है? तो सीमित क्षेत्रों में नागरिकीय विखंडन जो है ये जहाँ पर होगा वहीं पर प्रभावित होगा। गुजरात के भुज में भयानक भूकंप रूपी आपदा कब आया था? तो 2000 आपका यहाँ पर हो जाएगा 2008 में, ठीक है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला कौन है? रोहतास है, ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। भोपाल गैस त्रासदी कब हुई थी? 1984 ईस्वी में, ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। लास्ट क्वेश्चन आज का क्या है, देखिए भारत में पहला परमाणु ऊर्जा उत्पादन केंद्र कहाँ स्थापित किया गया था? तो पोखरण में, ऑप्शन ए जो है बिल्कुल सही है। वीडियो को लाइक कमेंट और शेयर करना ना भूलें। इसका PDF अगर आपको चाहिए टेलीग्राम पर तो ज़रूर लिखें, तब मैं इसका PDF टेलीग्राम पर भेज दूँगा। तो चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।